गाइस कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, पेटीएम से HDFC क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे गाइस, उसके बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे पेटीएम। उसके बाद दोस्तों इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का दोस्तों ओपन पर क्लिक करेंगे। ये ऐप दोस्तों मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए दोस्तों ओपन का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो रही है हमारी। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, प्रोसीड पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों एक कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे गाइस ये ऐप आपसे परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। उसका दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों हम यहाँ पे OTP डालेंगे, फिर से दोस्तों प्रोसेड प्रोसली सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों OTP डालने के बाद फिर से दोस्तों परमिशन अलाउ करेंगे हम। यहाँ पे गाइस ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ है। यहाँ पे गाइस हम क्रेडिट कार्ड्स इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बैच ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गाइस अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे गाइस उसके बाद अपना फुल नेम डालेंगे। यहाँ पे गाइस अपना फादर्स नेम, आई हैव पर टिक मारेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर दोस्तों एक OTP आएगा। यहाँ पे गाइस हम अपना OTP डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों ऑटोमेटिक OTP वेरीफाई हो जाएगी। उसका दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल डालना अपना, सबसे पहले दोस्तों अपना ईमेल ID, उसका दोस्तों अपना जन्मतिथि। यहाँ पे गाइस जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसका दोस्तों ऑक्यूपेशन डिटेल में सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरी सेलेक्ट करेंगे। उसका दोस्तों नीचे वाले लाइन में हम अपना फुल एड्रेस डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। गाइस यहाँ पे आपकी डिटेल्स चेक हो रही है। यहाँ पे दोस्तों 60 सेकंड लगेगा। उसका दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन ID मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।